हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही खास कार के बारे में। ये कार सभी इलेक्ट्रिक कार के रिकॉर्ड को तोड़ करके रख दिया है। यानी इसका ये रिकॉर्ड है कि इसे एक बार चार्ज करने पर ये 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस कार के खासियत के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक खास और अनोखी कार के बारे में, जो कि मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च किया है। विजन EQXX को पहली बार 2020 में पेश किया था। इसके दुनिया में सबसे अधिक लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार होने का दावा किया था। तो चलिए इस कार के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। मर्सिडीज बेंज विजन EQXX कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस इलेक्ट्रिक कार ने टेस्टिंग के दौरान एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की है। कंपनी की तरफ से इस बार की पहली रेंज टेस्टिंग की गई है। यह कार 1000 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने वाली दुनिया का पहली कार बन गई है। विजन EQXX इलेक्ट्रिक कार को डेवलप करने का काम चल रहा है। टेस्टिंग के दौरान इस कार ने जर्मनी से दक्षिण फ्रांस की यात्रा शुरू की। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू 54 मील प्रति घंटा, लगभग 87 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से पूरी की है। खास बात यह है कि यात्रा पूरी करने के बाद भी कार की 25% चार्ज बाकी बचा हुआ था। इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कार टेस्ला को कड़ी टक्कर देगी। मर्सिडीज बेंज ने विजन EQXX को पहली बार 2020 में पेश किया था और इसके दुनिया में सबसे अधिक लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार होने का दावा किया था। कार का आधिकारिक तौर पर जनवरी 2022 में लॉन्च करने का डेट रखा गया था। लॉन्च होने पर यह कार फोर्ड टाइकन, ID e-tron, GT और टेस्ला रोडस्टर जैसे लग्जरी EV को टक्कर देगी। बेहद कठिन रास्तों से आसानी से गुजर गई कार मर्सिडीज बेंज विजन EQXX ने अपनी टेस्ट राइड में ट्रैफिक, कई तरह की सड़कों, पहाड़ी इलाकों और बदलते मौसम जैसी वास्तविक दुनिया की स्थितियों का सामना किया। यात्रा जर्मनी के सिंधेल्फिंग से शुरू हुई और फ्रांस के दक्षिण में मार्सिले के पास कैसिस के बंदरगाह शहर में समाप्त हुई। इस दौरान तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव आया। टेस्टिंग के दौरान कार ने खड़ी पहाड़ी और ठंडे मौसम की चुनौतियों को आसानी से पार कर लिया। हालांकि गर्म मौसम में इसकी बैटरी के प्रभाव अभी टेस्ट नहीं किया गया है। यह कार 140 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड में चलती है। टेस्टिंग के दौरान EQXX इलेक्ट्रिक कार की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई थी। यात्रा के अंत में विजन EQXX में 15% चार्ज बाकी थी, जो 140 किलोमीटर की दूरी और तय कर सकती थी। मर्सिडीज बेंज के अनुसार टेस्टिंग को TÜV सर्ड वेरीफाइड किया गया है। मर्सिडीज बेंज ने 8.7 किलोवाट प्रति 100 किलोमीटर यानी 7.1 किलोवाट प्रति 62 मील की दूरी तय कर सकती है। तो ये था आज का खास मर्सिडीज बेंज EQXX के बारे में। इसी तरह की इलेक्ट्रिक कार की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।